बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाक बॉर्डर पर मिले हैं हेरोइन के पैकेट। कल भारत पाक बॉर्डर पर मिला था ड्रोन। बीएसएफ को सर्च ऑपरेशन के दौरान हेरोइन के पैकेट मिले हैं। करीब 2 किलो से अधिक वजन के हेरोइन के पैकेट बताए जा रहे हैं। खाजूवाला के 43KYD के पास कल ड्रोन मिला था। बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च के दौरान 43KYD की रोही में 2 पैकेट मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कल देखिए ड्रोन देखा गया था, कल ड्रोन मिला था और आज हेरोइन के पैकेट मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। बीएसएफ को सर्च अभियान के दौरान हेरोइन के पैकेट मिले हैं। करीब 2 किलो हेरोइन के पैकेट बताए जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर कल ड्रोन मिला था और आज हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए। क्षेत्र में लगातार पाक की नापाक हरकतें देखने को मिलती है। लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में पाक की ओर से नापाक हरकत लगातार हो रही है। एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के 43KYD में कल जिस प्रकार से ड्रोन कैमरा मिला, ड्रोन के बाद बीएसएफ व पुलिस के द्वारा संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। इस रेगिस्तान के दौरों के बीच बीएसएफ व पुलिस के द्वारा लगातार संयुक्त सर्च अभियान के चलाया गया। संयुक्त अभियान के बाद लगातार है वो इस क्षेत्र के अंदर सर्चिंग की गई। सर्चिंग में आज सुबह 2 किलो के करीब हीरोइन मादक पदार्थ बीएसएफ को बरामद हुआ। बीएसएफ ने अपनी ओर से पूरी कार्रवाई करने के बाद अब खाजूवाला पुलिस को पूरा मामला सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल खाजूवाला पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लगातार बता दें कि इस क्षेत्र के अंदर पाक की ओर से मादक पदार्थ ड्रोन के माध्यम से भेजने की पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत इस क्षेत्र में देखने को मिली। जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले का तार इस पंजाब से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, लेकिन अब पूरा मामला तभी स्पष्ट हो पाएगा जब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, उन सप्लायरों तक पहुंचेगी, उसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पूरी पुलिस की टीम इस मामले में जुटी हुई है। बीएसएफ के आला अधिकारी पूरी तरह से इस मौके पर मौजूद बने हुए हैं। कैमरामैन शोजगी के साथ सुरेंद्र मंडा, सच बेधड़क।